मसाले के आलू बनाने के लिए आपको चाहिए हल्दी, मिर्ची, नमक, किचन किंग, धनिया पाउडर, जीरा, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, अमचूर पाउडर एंड थोड़े से हींग। अब आ रहा है हमारी इंग्रेडिएंट का मेन इंग्रेडिएंट बेसन। उसके बाद हमें चाहिए धनिया, अदरक एंड कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं, दैट इज़ गार्लिक। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारे पास बीटन कर्ड, जो हमारी डिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इतने से ही थिकनेस के हिसाब से कर्ड को बीट कर लीजिए। मसाले के आलू बनाने के लिए आपको चाहिए आलू, बॉइल्ड पोटैटो। इसको हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे, एक आलू के चार हिस्से कर देंगे, जैसा कि अब मैं आपको अगले क्लिप में दिखा रही हूँ। इस क्लिप के हिसाब से आपको इतने मोटे मोटे इसको काट देना है, ताकि आपके आलू अच्छे लगें और खाने में भी बहुत मज़ा आए। और इसके छिलके थोड़े अच्छे से निकाल लीजिएगा। अगर आपको छिलके समेत खाने में मज़ा आता है तो आप छिलके रख सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम घी डालेंगे, घी को थोड़ा पकने देंगे, उसके बाद हम उसमें जीरा और हींग डाल देंगे थोड़ी। फिर हम उसे मिलाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक वो थोड़ा जीरा भुन ना जाए। फिर हमने हल्दी बेसन डालेंगे इसमें, और बेसन को हम तब तक घुमाते रहेंगे जब तक उसका कलर ना आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि बेसन का कलर आने लग गया है, वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो उसी समय अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी मिर्च बेसन, हल्दी मिर्च नमक कस्तूरी मेथी, ये सब हम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे, ताकि जब मिलाएंगे तब तक जब तक ये थोड़ा सारे मसालों को इकट्ठे कर ले, और जब ये अपना तेल छोड़ना शुरू कर देगा। और जब हम उससे पहले हम इसमें दही और मिर्ची डाल देंगे, ताकि मिर्ची, अब आप देख सकते हैं मसाले सारे इकट्ठे हो चुके हैं, तीखापन इस सब्जी में ला दें। तो हम इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे जब तक कि सारे मसाले हमारे इकट्ठे ना हो जाए। अब हमारे मसाले बिल्कुल एक साथ जुड़ चुके हैं, जैसा आप देख सकते हैं। जब तक ये तेल ना छोड़े, हम इसमें पानी नहीं डाल सकते, तो हम इसको मिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे भी ना चिपके और ये जल्दी से अपना तेल छोड़ दे। तो अब हम अपने दो ग्लास पानी डालेंगे बिल्कुल मेजर करके, ताकि ज़्यादा पानी भी ना हो और ना ज़्यादा ड्राई हो। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद हम 15 से 20 मिनट इसको पकने देंगे। आलू डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे, और कुछ आलू जो नहीं टूट रहे थे काटने के बाद भी, वो खुल जाएंगे खुद ही गर्म होते ही, तो आप उसकी चिंता ना करें। तो अब हम 15 से 20 मिनट उसको गैस पे रखेंगे ढक के, ताकि अब थोड़ी देर बाद मैंने उसे टेस्ट किया, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने उसे धनिया से गार्निश कर दिया और उसे बाउल में निकाल के रख दिया, और उसके ऊपर थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दिए। तो आप इसे खा सकते हैं गरम गरम। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।